सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है बिटवीन द कैंडिडेट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके बीच में कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया है कि शुड बी प्रिपेयर फॉर CUT 2025 अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 में जो CUT का स्कोर कार्ड होता है या CUT का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या हमें CUT की हेल्प से दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2025 में एडमिशन मिलेगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम कराएगा या फिर वापस से जो परसेंटेज बेस्ड जो आपका एडमिशन होता था वही आपका स्टार्ट होने वाला है। बाकी ये जो कंफ्यूजन है, ये जो टॉपिक है, कहां से स्टार्ट हुआ है, इसकी बात मतलब कि इनिशियली कहां से चला है और साथ साथ इसका जो सॉल्यूशन है कि आपको प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर आउट सब कुछ आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो टॉपिक है या फिर बोल सकते हैं ये जो कन्फ्यूजन है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। बाकी अगर अभी तक आपको इस कन्फ्यूजन या इस टॉपिक के बारे में नहीं पता था तो काफ़ी अच्छी बात है, आप अपनी प्रिपरेशन में ही ऐसे बिजी रहो, अपनी प्रिपरेशन ही तैयारी जो CUT की आप तैयारी कर रहे हो, अपनी क्लास ट्वेल्थ में अगर अभी आप हो या फिर आपने ईयर ड्रॉप ले रखा है तो CUT की प्रिपरेशन है उसको आप कंटिन्यू रखो। बाकी अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो गया तो इस वीडियो में आपका ये भी क्लियर आउट हो जाएगा। चलो बात करते हैं। देखो बात 10 अक्टूबर 2024 को दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक काउंसिल है उसमें एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें कि मतलब काफी जो टॉपिक्स हैं उन पर बात की गई थी। वैसे जितने भी टॉपिक्स पर बात की गई थी उनकी सबकी जो समरी है, मतलब क्या चीजों पर बात की गई है, वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं अपने, कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी 2025 का जो एडमिशन प्रोसेस होगा फॉर यूजी एडमिशन, उसमें हमारा जो CUT का एग्जाम है 2025 का वो मैटर करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक प्रोफेसर आते हैं, प्रोफेसर हरेंद्र तिवारी, ये जो अकेडमिक काउंसिल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उनके ही मेंबर है। इन्होंने पब्लिकली आके बताया कि जो मीटिंग चल रही थी उनके बीच में हमने ये टॉपिक भी उठाया है, इस टॉपिक पर भी बात हुई है कि जो CUT का जो एग्जाम होता है, देखो CUT का एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सही है, CUT का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सही है, बट जो CUT का जो एग्जाम का जो रिजल्ट आता है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। उस रिजल्ट डिले होने की वजह से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी डिले हो जाता है, और रिजल्ट डिले होने की वजह से एडमिशन प्रोसेस डिले हुआ, एडमिशन प्रोसेस डिले होने की वजह से जो पूरा एकेडमिक ईयर होता है या जो क्लासेस टाइम से स्टार्ट होनी होती है वो भी क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। इसी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब कि जो एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर हो गया पढ़ाई का या फिर पूरा जो एकेडमिक ईयर हो गया उसमें भी बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। लास्ट ईयर भी आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो गया था, इस वजह से मतलब प्रॉब्लम जो ईयर का मतलब कि टाइम हो जाता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और इस साल भी आपको देखने को मिला होगा जो CUT UG का जो रिजल्ट है वो डिले होने की वजह से एडमिशन प्रोसेस डिले हुआ। और अगर अभी आप देखोगे आज 19 अक्टूबर है और अभी भी आपका जो मोपअप राउंड 3 के जो एडमिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मीन्स 19 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक अभी फी पेमेंट अभी आप कैंडिडेट्स कर रहे हैं, मीन्स अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो गई थी वो 29 अगस्त को आपकी स्टार्ट हो गई थी, तो 29 अगस्त से आपका 29 अक्टूबर, फिर 29 अक्टूबर से मतलब कि आप 19 अक्टूबर आपका आ गया, तो मोर देन 50 डेज आपके हो गए, अभी तक कैंडिडेट्स का यहां पर जो एडमिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सब को मतलब कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि CUT एग्जाम के रिजल्ट की वजह से हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक काउंसिल है, उन्होंने बताया कि हमें मतलब कि CUT पर इतना ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तभी हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा, और अगर ये जो रिजल्ट है ये डिले कर देता है तो हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी डिले हो जाता है, इस वजह से जो हमारा जो एकेडमिक ईयर है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो यहां पर बात की गई थी क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी को अपना जो DUT है, मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या फिर जो अपना परसेंटेज बेस्ड वाला जो सिस्टम था उसको ही वापस से क्या करना होगा, इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इस चीज़ पर बात की गई थी, इस चीज़ को लेकर काफ़ी कैंडिडेट्स के बीच में कन्फ्यूजन हो गया था कि यहाँ पर क्या CUT 2025 देने पर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम बात करते हैं, एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ओल्ड प्रोसेस था, मीन्स पहले एडमिशन किस तरीके से होते, तो जब तक आपका CUT UG नहीं आया था तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में UG कोर्सेज में आपका जो 12th की परसेंटेज थी उसके बेस पर आपका एडमिशन होता था, मीन्स जितनी भी आपके परसेंटेज आई है उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देते थे। परसेंटाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपको जो भी आपके लिए आप कोर्स सेलेक्ट करते थे, कॉलेज आपको जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद से सिलेक्ट करके देता था, आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको सबसे बेस्ट जो कॉलेज है वो अलॉट किया जाता था, और उसमें आपकी जो UG का जो कोर्स है
वो कंटिन्यू किया जाता था पहले। जो अब जो प्रिफ्रेंस शीट आप बनाते हो, प्रिफ्रेंस ऑर्डर आप बनाते हो कि अब मेरे को ये वाला कॉलेज इस ऑर्डर पर चाहिए, ये नहीं मिला तो मैं इस कॉलेज में चला जाऊंगा। और कोर्सेज की आपके पास काफ़ी चॉइस होती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपकी जो परसेंटेज है क्लास ट्वेल्थ में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसी बेसिस पर आप अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट करते थे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेज है वो अलॉट करता था। और CUT PG मीन्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्जाम मतलब कि जो एंड वो बेसिकली आपके कोर्सेज होते थे उनके लिए CUT PG कराया जाता था, जहां पर आपका कुछ अलग से एग्जाम होता था। बेसिकली DUT भी आपका, DUT PG भी आपका कराया जाता था। DUT PG का मतलब होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना एंट्रेंस एग्जाम था PG पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, बट वो कराता NTA ही था, बट वो था स्पेशली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के मतलब कि PG कोर्सेज के लिए। उसमें भी आपके मतलब अलग से सिलेबस और अलग से एग्जाम पैटर्न था, जो बच्चे उनको क्लियर करते थे उस एंट्रेंस एग्जाम को वो PG के कोर्स को परस्यू करते थे। ये आपका ओल्ड सिस्टम था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब कि फॉलो करता था आपके एडमिशन के लिए। ये सारी चीजें आ जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड एडमिशन प्रोसेस आता है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको CUT 2025 के लिए प्रिपेयर करना है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो देखो यहां पर मैं सिंपल आंसर आपको बता देता हूं, यस आपको CUT 2025 की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है अगर आपने स्टार्ट कर दिया, और अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो आपको स्टार्ट कर देनी है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो देखो ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर देखो मीटिंग में बात जरूर हुई है लेकिन अभी इस पर सिर्फ बात ही की गई है, अभी इस पर कोई आपका फैसला नहीं आया या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा कोई अपडेट नहीं आया या कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया गया या फिर प्रेस रिलीज किया गया कि CUT 2025 का जो स्कोर कार्ड है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ ये टॉपिक डिस्कस किया गया है मीटिंग में, और मीटिंग में काफी चीजें यहां पर डिस्कस होती है। 99.99% आपके चांस है कि जो CUT 2025 का जो स्कोर कार्ड होगा वो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। 1% हम थोड़ा सा मतलब 0.1% आप लेके चल सकते हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करे, अपना जो DUT एग्जाम है वो करा ले, या फिर जो परसेंटेज बेस्ड आपका एडमिशन होता था वो रख ले। बट यहाँ पर अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना DUT 2025 भी कराता है तो आपका जो सिलेबस होगा और जो आपका पैटर्न होगा वो सेम आपका होगा जो CUT UG का आपका एग्जाम पैटर्न और जो आपका सिलेबस होता है वो। क्यों? क्योंकि देखो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक काउंसिल है उसको CUT के एग्जाम पैटर्न और साथ साथ जो उसका मार्किंग स्कीम है, जो सिलेबस है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज उसको कॉपी कर सकता है, उससे उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर ये है कि जो CUT है अब वो मतलब सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने के लिए सभी बच्चे CUT देते हैं, तो उसका रिजल्ट डिले होने की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक जो पूरा कैलेंडर है वो भी चेंज उनको करना पड़ता है, जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी डिले हो जाता है। तो अगर यहाँ पर DUT भी कराया जाता है जिसके मतलब अभी तक कोई भी चांस नहीं लग रहे, अभी तक CUT के ही सारे 100% चांस है, DUT का कोई चांस नहीं है, बट फिर भी एक हम केस लेके चल लेगा, DUT भी कराया जाता है मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट कराया जाता है, तो भी यहाँ पर जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा आपका CUT के जैसा। तो आप अगर CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो इन 2025, तो CUT के लिए आप प्रिपेयर करते रहो, CUT का जो स्कोर कार्ड है, CUT का जो एग्जाम पैटर्न है वो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी अभी तक जो बेसिकली जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2025 का जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है, बेसिकली जो एग्जाम कैलेंडर है, वो भी रिलीज नहीं किया गया है, तो जब वो रिलीज हो जाएगा तो ये न्यूज़ और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगी। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो भी अपडेट करना होगा वो 3 से 5 से 6 महीने पहले ही अपडेट करा देगा, जो भी इसको एग्जाम पैटर्न रखना होगा। ऐसे टाइम टू टाइम 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ऐसे आके आपको सरप्राइज नहीं देगा कि हमने CUT एग्जाम अब नहीं लेंगे, हम अपना DUT कराएंगे। और अगर कराएंगे भी तो उनको पहले से बताना होगा और पहले से ही उनको सब कुछ कैंडिडेट्स को जाना होगा कि ये पैटर्न होगा, ये सिलेबस होगा, ये सारी चीजें। तो इस DUT 2025 के बेसिकली कोई भी चांस नहीं है। CUT के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए प्रिपेयर करते रहो, और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर दो। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी UG में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो काफ़ी हेल्पफुल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी वीडियोस मैंने वहाँ पर बना रखी है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं यहाँ पर इस चैनल पर अपडेट प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी कॉलेज में आप अपना अगर आपका कॉलेज में जब एडमिशन हो जाएगा कैसे आप अपने जो आप कॉलेज में जो आपका टाइम होगा उसको कैसे बेस्ट आप प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकते हो, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो अगर आपका कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड यस मैं वापस फिर से आपको बता देता हूँ, CUT 2025 का जो स्कोर कार्ड है वो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी UG एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करेगा, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नहीं किया तो अभी से कर दो। बाकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान आपको बताया हुआ, सेल्फ स्टडी से आप कैसे CUT UG का एग्जाम क्रैक कर सकते हो,
आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है और कौन से यूट्यूब चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हो, सब चीजों सब वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो ये आ जाता है हमारा दिस वीडियो के लिए। होप करता हूँ कि सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे मन में डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन था, काफी कैंडिडेट्स इस चीज को कमेंट्स कर रहे थे और ये कन्फ्यूजन छोटा था बट ये बात बड़ी हो सकती थी क्योंकि काफी कैंडिडेट्स की जो प्रिपरेशन है इस बात को लेकर स्टार्ट होने वाली थी। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2025 में एडमिशन लेना चाहते हो तो CUT की तैयारी करो, CUT UG के एग्जाम के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। पॉइंट क्लियर है? बाकी कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर भी जरूर कनेक्ट हो जाना, वहां पर मैं आपको रील्स और स्टोरीज के थ्रू आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट यहां पर प्रोवाइड कराता रहता हूं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो है उनको जरूर चेकआउट कर लेना, वहां पर आपके लिए काफी हेल्पफुल चीजें मैंने प्रोवाइड करा रखी है। सो ये सब कुछ आता है हमारा इस वीडियो के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक जरूर कर देना एंड ये जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।